हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम लोग टेस्ट नंबर 12 देखेंगे, ऑफिशियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए टेस्ट सीरीज आप हमारी अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस गिवन नंबर पर कॉल की जा सकती है कभी भी, आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बताएंगे। टेस्ट सीरीज का ही टेस्ट है हमारा ये टेस्ट नंबर 12। पेड ग्रुप मेंबर्स को पीडीएफ मिल चुकी है और आपने मिला लिए होंगे अपने आंसर्स। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं उनका डिस्कशन हो जाया करता है वीडियो में, और बाकी YouTube के सब्सक्राइबर भी इसको देख लेते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश नहीं है ये बताना है, ठीक है? कौन सा साउथ अफ्रीकन कंट्री नहीं है? बोलीविया, चिली, क्यूबा या अर्जेंटीना? तो यहाँ पर आंसर सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल तीसरा जो है क्यूबा, ये आपका दक्षिण अमेरिकी देश नहीं है। बाकी आपका अर्जेंटीना भी है, चिली भी है, बोलीविया भी है, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। अगला भी सरल सा क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल इंटर इनटू स्पेस एक्सप्लोरेशन आफ्टर इट्स फर्स्ट मार्स मिशन कॉल्ड होप? होप मिशन किसका है? तो होप मिशन है आपका यूएई का, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 यूएई का मिशन है ये, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी कुछ कुछ दिया रहता है, यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स। सेक्सुअल ऑफेंडर्स पर जो डेटाबेस तैयार किया गया था उसके बारे में क्वेश्चन है। इसको हिंदी में देख लेते हैं कि यह गृह मंत्रालय के तहत जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो तैयार करता है इसको, और ये आपका जो पोर्टल बनाया गया है ये सभी नागरिकों के लिए सुलभ है, मतलब सभी लोग इसको ऑपरेट कर पाएंगे क्या, ये जो रिकॉर्ड वाला पोर्टल बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है केवल एक, इसमें जो है ये डेटाबेस तैयार किया है एनसीआरबी ने, लेकिन आम नागरिक जो है इसको नहीं मतलब एक्सेस कर पाएंगे। इस डेटा को एक्सेस कौन करेगा? राज्य की पुलिस करेगी, प्रवर्तन कानून एजेंसियां करेंगी, ठीक है? यौन अपराधों और कर्मचारी सत्यापन के मामलों की निगरानी करने के लिए। ये पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये अक्टूबर 2018 की न्यूज़ से है, ठीक है? तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि सेक्शन 497 और सेक्शन 498A जो इंडियन पीनल कोड का है, जो न्यूज़ में रहा था, ये किससे डील करते हैं? भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 497 और 498A खबरों में रही थी नवंबर मंथ में, ये किससे संबंधित है ये बताना है। तो ये संबंधित है व्यभिचार से और दहेज से, ठीक है? ये संबंधित है अडल्ट्री से और डाउरी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रामसर साइट्स इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। रामसर साइट्स के बारे में हमको बात करनी है, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था और अभी भी है, स्टेट पीसेस भी इसको पूछते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, रामसर फ्रेमवर्क को क्या इंडिया ने मंजूर किया था 2 फरवरी 1971 को, और क्या ये संधि यानी कि क्या ये ट्रीटी जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में इसको कि क्या ये ट्रीटी जो है लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि भारत के पास 36 रामसर साइट्स हैं आज की डेट में। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही है, ठीक है? यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि रामसर कन्वेंशन जो है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के नाम से जाना जाता है, और ये 2 फेब को जो जिस दिन जो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है उस दिन रेक्टिफाई हुआ था, मतलब अस्तित्व में आया था। और इसके 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स, और इनरोचमेंट जो हो रहा है वेटलैंड्स का, अतिक्रमण जो उन पर हो रहा है उनको रोकना भी इस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इस कन्वेंशन का लक्ष्य है। भारत ने कब मंजूर किया इसको? अक्टूबर 1981 में, ठीक है? भारत कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कब बना है? अक्टूबर 1981 में, ना कि 2 फेब को। और इंडिया में 26 रामसर साइट्स हैं। अभी हाल में क्या एक बढ़ी है? बढ़ी हुई कौन सी बताएं कमेंट करके, कि 26 ही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको इंग्लिश में ही देख लेते हैं हम लोग क्योंकि थोड़ा सा शायद ट्रांसलेशन की दिक्कत है उसमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। आपको कारा के बारे में बात करनी है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टैचुटरी बॉडी है, ठीक है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। अगला स्टेटमेंट कहता है कि कारा जो है ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि इंटर कंट्री एडॉप्शन से डील करती है, यानी कि अंतर देशीय जो आपके एडॉप्शन चलते हैं, यानी कि
मान लीजिए दूसरे यहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया में कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और उसको यहाँ से कोई बच्चा गोद लेना है, तो इन मामलों को क्या डील करती है कारा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कारा के बारे में सही हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कारा जो है कब अस्तित्व में आया था, किस कन्वेंशन के तहत भारत ने जो है इसको डेवलप किया है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलता है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता है इस तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट कोड। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट पोर्टल जो है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उससे मिलाना है। पैसा पोर्टल जो है क्या इसका टैक्स पेमेंट से संबंधित है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल क्या स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से संबंधित है, समाधान पोर्टल क्या नक्सलियों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित है क्या? यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर डी कि ये वाला करेक्ट है, समाधान जो है नक्सल रिलेटेड इश्यूज से संबंधित है। पैसा पोर्टल का मतलब है यहाँ पर पोर्टेबल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, यानी कि लोन के लिए जो है यहाँ पर बात की जा सकती है। ठीक है, और विद्या लक्ष्मी क्या है ये आपका स्कॉलरशिप से नहीं संबंधित है, ये आईटी बेस्ड मैकेनिज्म है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के तहत, जिससे सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म मिलेगा स्कॉलरशिप और एजुकेशनल लोन इसके लिए। ठीक है, अच्छा इसमें करेक्ट चूज करना था। ठीक है, करेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो डी होगा यहाँ पर, यानी कि विद्या लक्ष्मी वाला करेक्ट है। ठीक है, बाकी पैसा जो है टैक्स पेमेंट से मिलाया गया इसलिए रॉन्ग है, यहाँ पर होना चाहिए आपका अफोर्डेबल क्रेडिट। ठीक है, उधारी संबंधित लोन से संबंधित, और समाधान किससे संबंधित है, समाधान लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने। ठीक है, समाधान का मतलब है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल हैंडलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि डेडिकेटेड पोर्टल है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनका जो है ये जो रिजेक्शन करेगा कुल मिला करके। समाधान स्कीम जो है ये कहीं ना कहीं नक्सल रिलेटेड एरिया से रिलेटेड है, समाधान पोर्टल नहीं है, ये भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनमिस। अनमिस का मतलब है यूएन मिशन इन साउथ सूडान। अब इसके बारे में आप करेक्ट चुनिए कि क्या ये यूएनएससी की रेजोल्यूशन से स्थापित किया गया है ये मिशन। अगला है कि इंडिया जो है प्लान कर रहा है कि अपने ट्रूप्स यहाँ पर भेजने के लिए पहली बार, मतलब अब तो भेज भी चुका होगा, ये करंट अफेयर का पुराना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट है, दूसरा वाला इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया जो है पहले अपने साउथ सूडान में पहले मिशन को भेजने की सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है। ऑलरेडी जो है मिशन भारत का वहाँ पर भेजा जा चुका है, 150 इंडियन पीस कीपर्स जो है वहाँ पर सर्व कर रहे थे। ठीक है, अनमिस के तहत, और उन्हें मेडल मिला था वहाँ पर उन पीस कीपर्स को। ये अक्टूबर 2018 का करंट अफेयर है, करीब जो है 10 महीने पहले का। तो ये आगे बढ़ते हैं हम इसको, क्वेश्चन नंबर 9 तक ले जाते हैं बात को। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड डीजी यात्रा इनिशिएटिव। डीजी यात्रा इनिशिएटिव का यहाँ पर क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट्स बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, और जल्दी ही फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज होगा जिससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेपर वाला काम ना हो और जल्दी जल्दी जो है यात्रियों को मंजूरी मिले और वो अपनी फ्लाइट की ओर जा सके। ठीक है, ये है डीजी यात्रा। अगला क्वेश्चन है, ये नवंबर में आया था। ठीक है, नवंबर में अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार के बारे में बताइए, क्या ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है? दूसरा कह रहा है कि 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि बौद्ध धर्म समकालीन ग्रंथ दर्शन तर्क व्याकरण विज्ञान और चिकित्सा संबंधित इसने ज्ञान प्रदान किया है। तो यहाँ पर हमारा सही चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। इसके बारे में एक चीज़ पूछी जाती है कि इसको किसने तोड़ा था, इसको किसने तोड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 के बारे में बात करिए। अभी तो खैर 2019 वाला भी आ सकता है विद इन 1 मंथ, लेकिन अभी आप 2018 वाला जरूर याद रखेंगे। क्या इसको WHO ने रिलीज किया है या WHO रिलीज करता है, और क्या भारत की रैंक 2018 के इंडेक्स में पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे पाई गई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी नन यहाँ पर सही है, दोनों ही गलत हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 जो है सबसे पहली बात तो
कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड जो है, और वेट हंगर लाइफ जो जर्मनी का ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट, इन लोग रिलीज करते हैं दोनों लोग मिलके। डब्ल्यूएचओ का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। इंडिया को 130वीं रैंक मिली थी, 103rd, और चाइना को 25वीं रैंक मिली थी, नेपाल को 72वीं, श्रीलंका को 67वीं, और पाकिस्तान को 106 मिली थी। ठीक है, तो भारत जो है श्रीलंका से तो नीचे है, ये बात सही है। श्रीलंका को 67वीं मिली, भारत को 103, लेकिन पाकिस्तान को मिली है 106वीं। ठीक है, तो इसलिए गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच। ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच का शुभारंभ किसने किया था बताना है, तो टर्की ने किया था सीरिया में, ये ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच। आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे अब हमको बताना है कि टी की यानी कि टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भारत सरकार का जो है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है, HRD ने, क्या ये 2016 में लॉन्च किया गया था, आप बताइए कि गलत कौन सा है। ठीक है, गलत बताना है इसमें, तो गलत है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये गलत है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया है लेकिन 2002 दिसंबर में, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको TKIP बोल सकते हैं, और 10 से 12 वर्ष का ये प्रोजेक्ट चलना था, तीन फेसेस में होना था यहाँ पर, और एजुकेशनल की क्वालिटी यहाँ पर सही करना था, यही इसका लक्ष्य था कुल मिलाकर के, टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पोर्ट्स इन इंडिया। भारत के बंदरगाहों के बारे में आप चूज करिए करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि शिपिंग मिनिस्ट्री जो है एडमिनिस्टर करती है सारे भारत के बंदरगाहों को, यानी कि जहाज रानी मंत्रालय। अगला है कि सागरमाला प्रोजेक्ट का एम है कि जो है पोर्ट लेट डेवलपमेंट करी जाए, यानी कि बंदरगाह आधारित विकास भारत में किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, यानी कि ओनली 2, ये वाला करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, और फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि शिपिंग मिनिस्ट्री जो है वो सारे पोर्ट नहीं देखती है, माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट जो होते हैं एडमिनिस्टर किए जाते हैं अलग अलग कंसर्न्ड डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, जो हमारे मतलब कोस्टल राज्य हैं, उनके कुछ डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर करते हैं अपने छोटे छोटे पोर्ट्स को। सागरमाला का एम यही है कि बंदरगाह आधारित जो है विकास किया जाएगा। ठीक है, सागरमाला एम्स टू मॉडर्नाइज इंडियन पोर्ट्स सो दैट द पोर्ट लेट डेवलपमेंट कैन बी ऑगमेंटेड एंड द कोस्ट लाइन कैन बी डेवलप्ड टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज ग्रोथ। अब उनको मिलाना है, यहाँ पर झील एक तरफ लिखी हुई है, एक तरफ राज्य लिखे हुए हैं, स्टेट और झील, तो इसको कैसे मिलाएंगे। पुलिकट झील कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। जॉय सागर झील कहाँ पर है, ये असम में है। दमदम लेक कहाँ पर है, ये आपका हरियाणा में है। और चंद्रताल लेक कहाँ पर है, हिमाचल में है। इस तरीके से आप मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा ओवरऑल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दिस कंट्रीज वुड यू फाइंड इन द इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में आप किन किन कंट्रीज को देखेंगे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीशेल्स होगा, मदगास्कर भी होगा, और कोमरोस भी होगा, मालदीव्स भी होगा, एल सल्वाडोर नहीं होगा यहाँ पर, एल सल्वाडोर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि आप स्टेट को आइडेंटिफाई करिए। पहला स्टेट बन गया है जो रेयर डिसीजेज एंड ऑर्फन ड्रग पॉलिसी जिसने शुरू की है, दुर्लभ बीमारियों पर और जो है ऑर्फन ड्रग्स पर ये नीति शुरू की है, और सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो राज्य होगा वो है कर्नाटक। कर्नाटक पहला ऐसा स्टेट है हमारे जिसने रेयर डिसीज और ऑर्फन ड्रग पॉलिसी लॉन्च की है, और सबसे ज़्यादा शेयर जो है लेटेस्ट टाइगर सेंसस में कर्नाटक में पाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट को चूज करना है कि न्यूट्रिनो इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज वेरी सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉन बट हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अ वेरी स्मॉल मास विच माइट इवन बी जीरो। इट हैज बीन अप्रूव्ड टू ऑफ सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान। तो पहला तो न्यूट्रिनो के बारे में बताया है, और दूसरा है कि पहला इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी सेटअप होगी राजस्थान में, बताइए कौन सा यहाँ पर सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, न्यूट्रिनो की डेफिनेशन ही सही है, और पहला इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी सेटअप होगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वॉट इज ग्रेविटी रैट। ग्रेविटी रैट न्यूज़ में देखा गया था अभी 4-5 महीने पहले, तो क्या है ये ग्रेविटी रैट। तो ग्रेविटी रैट देखा गया था एक कंप्यूटर मालवेयर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
ये 2017 में इसको देखा गया था, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ने ये इसको 2017 में स्पॉट किया था। ये जो है ये कंप्यूटर्स में जो है अतिक्रमण करता है, डेटा चुराता है, और कमांड और कंट्रोल सेंटर जो है अदर कंट्रीज़ में उनका भी ये डेटा चुराता है। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि करेक्ट कोड क्या है। जीआई टैग को मिलाना है स्टेट से, ठीक है। एक तरफ जीआई टैग गिवन है और दूसरा स्टेट जिसके लिए मिला है, तो यहाँ पर आपका सही कौन सा है बताना है। तो सेकंड वाला केवल सही है, जरदालू मैंगो जो है ये बिहार के लिए जीआई टैग मिला है इसको, और बाकी यहाँ पर दिया हुआ है हिमसागर मैंगो कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। नारायण पेट हैंडलूम साड़ीज कहाँ की हैं, ये तेलंगाना की हैं। और पटन पटोला ये कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। वैसे जीआई टैग रिसेंट वाले ही आते हैं, पुराने वाले कम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लाउड सीडिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ड्राई आइस का भी, लिक्विड प्रोपेन का भी, और पोटेशियम आयोडाइड का भी, तीनों ही यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। हमको बताना है कि पिंक बॉल वॉर्म से संबंधित कौन है, ठीक है। यानी जो नीचे चीज़ें लिखी गई हैं, कौन कौन सी पिंक बॉल वॉर्म से संबंधित हैं। पहली चीज़ लिखी हुई है कि अ पैरासाइट नोन टू हैव कॉज्ड वाटर बर्न डिसीजेज इन एनिमल, जो आपके पानी जनित रोग होते हैं तो जानवरों में, ये होता है पिंक बॉल वॉर्म से। दूसरा कहता है कि ये एक वॉर्म है जो कि मानवों के आंतों को जो है प्रभावित करता है। तीसरा लिखा हुआ है डिसीज कॉजिंग वॉर्म फाउंड नॉर्मली ऑन डर्टी बीचेस। तीसरा लिखा हुआ है कि जो गंदे तट होते हैं वहां पर पाया जाता है। और डी लिखा हुआ है कि एन इंसेक्ट नोन फॉर बीइंग अ पेस्ट इन कॉटन फार्मिंग, कॉटन फार्मिंग का ये परजीवी यानी कि पेस्ट है। कौन सा यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ये एक पेस्ट है, ठीक है। ये एशिया में पाया जाता है, ठीक है, और कॉटन ग्रोइंग रीजन्स हैं, जैसे हमारा इंडिया काफ़ी कॉटन ग्रो करता है चाइना के बाद सबसे ज़्यादा, तो वहाँ यहाँ पर आपको पिंक बॉलवॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है व्हाइट लेबल एटीएम जो है ये ओन किए जाते हैं नॉन बैंक्स के द्वारा, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है कि ब्राउन लेबल एटीएम जो होते हैं, एटीएम ऑपरेशन करते हैं थर्ड पार्टी बैंक का, मतलब कि जो आपके ब्राउन लेबल एटीएम होते हैं, क्या ये एटीएम होते हैं जो थर्ड पार्टी ऑपरेट करती है बैंक के लिए आउटसोर्सिंग के तौर पर। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं? तो यहाँ पर सी करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। व्हाइट लेबल एटीएम और ब्राउन लेबल एटीएम जान लीजिए। व्हाइट लेबल एटीएम बैंक के खुद के होते हैं, परिचालन भी खुद का करता है बैंक, और ब्राउन लेबल एटीएम परिचालन दूसरे से करवाता है आउटसोर्सिंग के माध्यम से। अगला है विच ऑफ दीज आर स्कीम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है वज्र, आता है सत्यम, आता है इम्प्रिंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जाएगा, 1, 2, 3। ये सेम क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की करेक्ट स्टेटमेंट पहचानिए। कैंपेन दिए हुए हैं और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या FSSAI ने चलाया था ईट राइट और इंडियन, ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव, हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन क्या WHO का है, और UN इंडिया का स्वस्थ भारत यात्रा है। कौन सा यहाँ पर सही है? पहला यहाँ पर सही है, ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव FSSAI का है, ठीक है। और बल्कि हार्ट अटैक रिवाइंड ये भी FSSAI का है, स्वस्थ भारत यात्रा ये भी FSSAI का ही है, ठीक है। सारे कैंपेन ये FSSAI ने ही शुरू किए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी रिलेटेड टू ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बताइए कि कौन से टर्म उससे जुड़े हुए हैं। क्या P5+1 उससे जुड़ा हुआ है, क्या ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन उससे एसोसिएटेड है, या 2+1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, यानी कि P5+1 और ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि टू विच कंट्री डज द S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम जो है न्यूज में देखा जाता है। S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम ये है किसका? ये है रशिया का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है युद्धाभ्यास है और दूसरा कंट्री है। नोमैडिक एलिफेंट क्या हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं, युद्धाभ्यास क्या हम US के साथ करते हैं, इंद्र क्या हम श्रीलंका के साथ करते हैं, एक्वेरियन क्या मालदीव के साथ, सूर्यकरण का नेपाल के साथ। तो यहाँ पर हमारा सही है 1, 4, 5। एक्वेरियन हम मालदीव के साथ करते हैं, नेवी का एक्सरसाइज है। सूर्य किरण साल में 2 बार करते हैं, एक बार नेपाल में, एक बार भारत में, ये आर्मी की एक्सरसाइज है। और आप पीछे अगर हम देखें तो इंद्र जो है हम लोग करते हैं, ये श्रीलंका के साथ नहीं करते हैं, ये करते हैं रशिया के साथ।
युद्धाभ्यास करते हैं यूएस के साथ, नोमैडिक एलिफेंट हम लोग इंडोनेशिया के साथ नहीं करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप एलसीए तेजस के बारे में बात करिए और सही ऑप्शन चुनिए, ठीक है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है तेजस, ये मल्टी रोल फाइटर जेट इसमें लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि ये डबल इंजन के द्वारा जो है इसको पावर मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए खाली सही होगा, ये वाला, ठीक है। ये सिंगल सीटर मल्टी रोल जेट फाइटर है, और ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन। अब जो फीचर्स दिए हुए उसके हिसाब से वनस्पति को पहचानना है। दे एक्सपीरियंस लॉन्ग सीजनल चेंजेस, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, पतझड़ होता है गर्मी में, साल टीक नीम एग्जाम्पल्स हैं, टेम्परेट डेसीडिवस फॉरेस्ट है ये, ट्रॉपिकल डेसीडिवस है, बोथ है या नन है, बताइए कौन सा है। तो ये आपका ट्रॉपिकल डेसीडिवस है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल डेसीडिवस के फॉरेस्ट फीचर लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, मिलाइए, मिशन शक्ति, मिशन परिवार विकास, मिशन इंद्रधनुष, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, जो है इसका पर्पस क्या है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका मिशन शक्ति जो है ये एंटी सैटेलाइट सिस्टम भारत ने डेवलप किया, चौथा ऐसा कंट्री बना था ये सिस्टम डेवलप करने वाला भारत। अगला है कि मिशन परिवार विकास ये फैमिली प्लानिंग से संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष ये किससे संबंधित है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, टीकाकरण से संबंधित है, और मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजाइम है उसको डिफेंस मिनिस्ट्री में कैसे डेवलप किया जाए उससे संबंधित है ये, ठीक है। अगला है कि पीएमजी दिशा के बारे में आप चूज करिए। पहला है कि ये रूरल एरियाज की गर्ल्स को एजुकेट करने का लक्ष्य रखता है, और दूसरा है कि जो ज़्यादातर जो है स्कीम को अर्बन एरियाज में चलाया जाएगा, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, सॉरी दोनों ही इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो इसका सही क्या है, ये स्कीम जो है ये खाली रूरल एरियाज में चलेगी ना कि अर्बन एरियाज में, और पीएमजी दिशा होगी लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम होगा पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है, खाली गर्ल्स के लिए नहीं है, पूरे सभी के लिए है, ठीक है। अब तो ये पूरा भी हो चुका है शायद। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिक्वायर इनर लाइन परमिट फॉर एंट्री इनटू द स्टेट। तो ये स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, टू विच रिलीजन वुड यू रिलेट द टर्म्स लाइक जातक और वज्रायण। वज्रायण और जातक शब्द आपको किसमें देखने को मिलेंगे, बुद्धिज्म में। जातक क्या चीज़ है, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, ठीक है, पूर्व जन्म की कथाएं। अब बताइए कि वज्रायण क्या है, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि नैनो टेक्नोलॉजी के किन क्षेत्रों में अनुप्रयोग हो सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी बिल्कुल कृषि में यूज़ की जा सकती है, मेडिसिन में यूज़ की जा सकती है, और जलवायु परिवर्तन में भी इसका रोल देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि 1, 2, 3। आगे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट के तहत जो है एक अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ जारी किया जाएगा अगर 100 करोड़ या उससे अधिक के मामलों में वो एसोसिएटेड है तो, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है इनको एक एप्लीकेशन फाइल करना होगा स्पेशल कोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत, जिसमें डिटेल्स होंगी जो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको बंधक बनाना जिनको बंधक बनाने बनाए जाने की डिटेल्स होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, सेकेंड गलत है, ये फर्स्ट वाला यहाँ पर सही है। सेकेंड वाला इसलिए गलत है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसकी कन्फिस्केटिंग प्रॉपर्टीज़ की डिटेल बनाएगी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत, ना कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919 के अंतर्गत, ठीक है, ये इसलिए गलत है। और पहले फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर बिल के तहत मतलब एक्ट के तहत कौन थे, विजय माल्या ऑफकोर्स। अगला है, वॉट आर ऑर्फन ड्रग्स, ऑर्फन ड्रग्स क्या है। ऑर्फन ड्रग है ड्रग्स दैट आर यूज टू ट्रीट वेरी रेयर डिसीज। ऑर्फन ड्रग वही है जो किसी गंभीर बीमारी को, ठीक है, दुर्लभ बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए।
अगला एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में आप बात करिए। पहला है कि ये स्टैचुटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक निकाय है, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1972 में, और प्राइम मिनिस्टर जो है इसके क्या चेयरपर्सन होते हैं। तो यहाँ पर पहला सही है खाली, ये वैधानिक निकाय है लेकिन इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मतलब जो मिनिस्ट्री होती है इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की, उसके मिनिस्टर इसकी चेयरमैनशिप करते हैं। ठीक है, और ये जो है 2006 में अस्तित्व में आया है, ना कि 1972 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर फेसिंग नॉर्थ, अगर आप उत्तर की तरफ मुख करके भूमध्य रेखा के ऊपर खड़े हो जाएं, तो कौन सी कंट्री जो है आपके सामने नहीं होगी, जैम्बिया, बोलीविया, तंजानिया, बुल्गारिया, मलेशिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तो आपका बोलीविया नहीं दिखेगी आपको, आपके सामने तंजानिया नहीं दिखेगी, और आपकी जैम्बिया नहीं दिखेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, अरेंज द फॉलोइंग सेशंस ऑफ आईएनसी क्रोनोलॉजिकली, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सेशन हुए थे उनको कालानुक्रम में लगाना है, कैसे क्रम बनाए गए इसमें। तो सबसे पहले स्वराज का गोल डिसाइड किया गया था पहली बार, और फिर लखनऊ पैक्ट हुआ था, फिर पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी थी सेशन की, और फिर गांधी जी ने अध्यक्षता जिसमें की थी बेलगाम सेशन, वो आखिरी में हुआ था। तो यहाँ पर सही है 1, 2, 3, 4, ये इसी तरीके से रहेगा 1, 2, 3 और 4। हमको बताना है कि खिलाफत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, और इट वॉज टू सपोर्ट द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म्स अमंग द मुस्लिम्स, मुसलमानों के बीच सामाजिक सुधारों के कारण, मतलब सामाजिक सुधारों का समर्थन करना था कुल मिलाकर के। और दूसरा कह रहा है कि खिलाफत रूल जो था उसने इसको सपोर्ट किया था जो तुर्क में चल रहा था, और इसको गांधी जी का सपोर्ट मिला था। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, खिलाफत मूवमेंट कोई सोशल रिफॉर्म्स के कोई सपोर्ट पे नहीं था, बेसिकली जो सप्रेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट था। अगला है, टू विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वुड यू रिलेट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, ये आपको किस में देखने को मिलेंगे, किस संप्रदाय में, तो मिलेंगे सांख्य स्कूल में। ठीक है, सांख्य संप्रदाय ने, ऑप्शन नंबर ए में। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ये बहुत पूछा जाता है। सो किस दर्शन के कौन कौन से प्रतिपादक हैं उनको ध्यान रखना जरूरी है, कई बार आ चुका है, हरियाणा पीसीएस में भी आया था, हरियाणा पीसीएस प्री भी मिलाने को आया था। तो सांख्य के हैं आपके कपिल मुनि, वैशेषिक के हैं कणाद मुनि, और न्याय दर्शन के हैं आपके गौतम मुनि, अक्षपत गौतम कहते हैं इनको, और योग दर्शन के हैं पतंजलि ऑफ कोर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हमारा है कि किस स्कूल, ये आगे हमारा ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ द मॉन्टेक चेल्फॉर्म्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेक चेल्फॉर्म सुधारों का यहाँ पर बताना है कि फीचर क्या था, कि इसने जो है नया जो है ऑफिस, नए पद का सृजन किया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर दिए थे, सेपरेट यानी कि अलग निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लिए, या फिर इसने प्रावधान किया था यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन के सृजन का। तो यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर डी, डी का मतलब है यहाँ पर कि थर्ड ओनली, ये यहाँ पर सही है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस कब सृजित किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, और सेपरेट इलेक्ट्रेट मुस्लिम्स को दिया गया था मिंटो मॉर्ली सुधार में, मॉन्टेक चेल्फॉर्म सुधार में नहीं। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ये बताना है। तो यहाँ पर गांधी जी ने होम रूल में भाग नहीं लिया और स्वदेशी में भाग नहीं लिया, स्वदेशी के टाइम पे गांधी जी थे ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, और होम रूल में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, खिलाफत में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि अरेंज क्रोनोलॉजिकली द डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर, तो विजयनगर की डायनेस्टीज को यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर ऑर्डर बनेगा 1, 3, 2, 4, यानी कि संगम पहले, फिर सुलुव वंश, फिर आपका तुलुव वंश, फिर आपका अरविडु वंश। ठीक है, 1, 3, 2, 4, इस तरीके से आप लगाएंगे। अगला है, कालानुक्रमिक क्रम में विजयनगर के राजवंशों को व्यवस्थित करें, अच्छा ये भाई इसका ट्रांसलेशन है। अगला है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर, तो ऑर्गेनाइजेशन है संस्था और उसके संस्थापक, मित्र मेला क्या सावरकर बंधुओं ने इस्टैब्लिश किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या सचिंद्र सान्याल ने इस्टैब्लिश किया, अभिनव भारत क्या वी डी सावरकर का था। तो यहाँ पर आपका सही है
वन और थ्री। अभिनव भारत यहाँ पर था वीडी सावरकर का और मित्र मेला था सावरकर बंधुओं का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से गांधी जी के द्वारा जो है कौन से लिखे गए हैं, तो यहाँ पर सही है सी, यानी कि यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका के टाइम पे चलता था उनका, यंग इंडिया जो है ये मैगजीन है, ये सॉरी न्यूज़पेपर है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि वेयर इन द वर्ल्ड यू वुड यू फाइंड गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स आप कहाँ पर देखेंगे, जो न्यूज़ में थी गोलान हाइट्स जब चर्चा में थी, तो ये मिडिल ईस्ट का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोर्स में ये कब फोर्स में आएगी, लागू होगी 2020 में, और इंडिया ने न्यूक्लियर डील साइन की है नॉन सिग्नेटरीज जो हैं एनपीटी के उनसे भी। तो एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि लैंडमार्क डील जो है ये 2016 नवंबर में साइन की गई थी और अस्तित्व में आई थी जुलाई 2017 में। इसके तहत क्या है कि जापान जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट कर सकेगा इंडिया को भी, ठीक है। इंडिया एक पहला ऐसा नॉन एनपीटी सिग्नेटरी होगा जिसके साथ जो न्यूक्लियर डील करेगा जापान, यानी कि कर चुका है, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कोरिया प्लस। कोरिया प्लस के बारे में हम बताइए कि कौन सा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही है कि कोरियन इन्वेस्टमेंट जो होगी इंडिया में उनको प्रमोट करेगा ये कोरिया प्लस। तो ये को प्लेटफॉर्म है कोरिया प्लस, लॉन्च किया गया था जिससे कि कोरिया जो है साउथ कोरिया हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके। ध्यान रखिएगा नॉर्थ कोरिया की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। अगला है सिलेक्ट द फॉलोइंग कोड्स टॉपिक्स इन न्यूज़, यानी कि कौन कौन से जो आपके ये चीज़ें हैं न्यूज़ में रही थी और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर आपका सी सही है, यानी कि फराज्ड बी गैस ब्लॉक ये ईरान का है और नोटर डैम यहाँ पर जो है कह सकते हैं विध्वंस हुआ था ये फ्रांस का है। डुकम पोर्ट ये जिबूटी का नहीं है, पोर्ट ऑफ डुकम किसका है, ओमान का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव नॉट साइंड एनपीटी, एनपीटी पर हस्ताक्षर किसने नहीं किए हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया ने नहीं किए हैं हस्ताक्षर भी, पाकिस्तान ने भी नहीं किए हैं और ना इसराइल ने और ना नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दोनों ही यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन यानी कि आपका आर्थिक समझौता एग्रीमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जापान के साथ साइन किया था मई 2017 में, ठीक है। तो अफ्रीकन रीजन में एग्रो प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए इसलिए जापान के साथ मिलकर के इंडिया ने ये पैक्ट किया था 2017 में। अगला क्वेश्चन है कि तापी जो है ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है तजिकिस्तान और इंडिया के बीच और अजरबैजान और पाकिस्तान जो है ये तापी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। दोनों ही इनकरेक्ट है यहाँ पर, दोनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली में तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जिसको ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन बोलते हैं तापी, ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है जिसको डेवलप किया है गालिंग्स ने, एक पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड है और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साझेदारी में खोली गई है। तो स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि अजरबैजान इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, और ये केवल तजिकिस्तान और इंडिया के बीच नहीं है, अफगानिस्तान इंडिया के बीच है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो IAEA के बारे में बताना है कि एक ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त संगठन के रूप में क्या 1974 में शुरू हुआ था और क्या इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और इंडिया क्या इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो यहाँ पर बी सही है, दूसरा या और तीसरा यहाँ पर सही है, इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और इंडिया एक संस्थापक सदस्यों में से एक है, लेकिन इसका क्या ऑर्गेनाइजेशन 1974 में हुआ था, नहीं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये स्टैब्लिश किया गया था 1974 में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये 1957 में आया था और भी पहले, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि सार्क और बिम्स्टेक दोनों ही देशों के मेंबर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका 1, 2, 5। ठीक है, नेपाल सार्क और बिम्स्टेक दोनों का है, श्रीलंका भी सार्क बिम्स्टेक दोनों का है, और बांग्लादेश भी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसको जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। बारकोड की तरह ही ये जो टैग है जिसमें जो स्ट्रेट लाइन का होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बारकोड स्कैनर जो मतलब टैग को स्कैन करता है, ये स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। ठीक है, रीडर के स्ट्रेट में होना चाहिए, सॉरी स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट में नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है, नहीं होना जरूरी नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल वाटरवे वन जो है ये हल्दिया से प्रयागराज को कनेक्ट करता है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नेशनल वाटरवे वन आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, बताइए कौन सा सही है। तो केवल वन यहाँ पर सही है, नेशनल वाटर वे वन जो है असम की तरफ नहीं जाता, इस वजह से सेकेंड वाला रॉन्ग है। बाकी ये जाता है वेस्ट बंगाल से भी जाता है, झारखंड से भी जाता है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से भी। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, आपको पहचानना है एक नेशनल पार्क को। नेशनल पार्क जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट लोलैंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, 27 डिग्री एंड लैटिट्यूड की तरफ, चौथी सबसे बड़ी नेशनल पार्क है भारत की। फ्लाइंग स्क्वायरल जो है यहाँ की एक एंडेमिक स्पीसीज है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ चुकी है। और चौथा कह रहा है कि यहाँ पर चार पैंथराइन स्पीसीज पाए जाते हैं, लिपोर्ड, स्नो लिपोर्ड, टाइगर और क्लाउडेड लिपोर्ड। अब ये नेशनल पार्क का पहचानिए चार संकेतों से। तो ये है आपका नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क, इनमें से किस क्षेत्र को हम थर्ड पोल कहते हैं? थर्ड पोल हम लोग कहते हैं जो रीजन है जो है हिमालय हिंदू कुश माउंटेन रेंज का है और टिब्बटन प्लेट्यू को जो कवर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रीवीव प्रोजेक्ट। रीवीव प्रोजेक्ट यहाँ पर किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने लॉन्च किया था, एक ये रीवीव प्लेटफॉर्म है जो जो कह सकते हैं कि जो हथकरघा उद्योग में काम करते हैं, हैंडलूम जुलाहे हैं, हैंडलूम जुलाहों जो अपना जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने उनको दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं। ये है रीवीव। विश्व का सबसे पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि तैरता हुआ परमाणु संयंत्र कहाँ पर खोला गया था? तो ये खोला गया था रशिया में, और ये ऑपरेशनल भी हो चुका है इस वर्ष। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं इसको। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स डिस्क्राइब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट इन जम्मू कश्मीर, यानी कि इन स्कीम्स को पहचाने जिससे भारत सरकार जो जम्मू कश्मीर में प्रयास कर रही थी, पहले बहुत प्रयास किए हैं, तो उसको डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, उड़ान स्कीम जम्मू कश्मीर में लागू हुई थी और आयुष्मान भारत भी लागू हुआ था और नई मंजिल भी। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जैन 1947। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अनावरण हुआ था, उद्घाटन 28 जनवरी 1947 को? आर्टिकल नंबर 124 से 147 जो है क्या ये सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, और आर्टिकल नंबर 143 जो है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही है बी, यानी कि 24 से 47 जो है ये डील करता है सुप्रीम कोर्ट से, 124 से 147, 143 में एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में बताया गया है, ये भी सही है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ दीज आर द क्वालिफिकेशंस टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर, मतलब गवर्नर का क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड नॉट बिलोंग टू द सेम स्टेट वेयर ही इज टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर, यानी कि जिस राज्य में उसे जाना है वो स्टेट का नहीं होना चाहिए, क्या ये है? और क्या उसे 35 वर्ष से ज़्यादा का होना चाहिए? तो पहला ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हालांकि परंपरागत तौर पर ऐसा होता है कि जो गवर्नर बनते हैं जिस स्टेट के वो स्टेट के होते नहीं हैं, लेकिन ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, उसे 35 वर्ष का होना चाहिए, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब हमको राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं उनके बारे में चूज करना है।
कि जो मेंबर होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के, ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, नियुक्त किए जाते हैं और गवर्नर के द्वारा हटाए भी जा सकते हैं पद से। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एसपीएससी आर डिसाइडेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं, ये एक पेक्यूलर सा फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा। हालांकि जो नंबर ऑफ मेंबर हैं किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग में, वो गवर्नर डिसाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP जो है, इसके बारे में बात करनी है कि जो कोई भी व्यक्ति है 21 साल से ज़्यादा का है, वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। इस स्कीम को 2008-2009 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 2 और 3। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 नहीं है, वो 18 है। 18 वर्ष से उम्र का कोई भी इस योजना का लाभ ले सकता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस जो हैं, ये किस एक्ट में बताई गई हैं, ठीक है। ये एक्ट बताई गई है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा समुदाय पीएम 15 पॉइंट प्रोग्राम, अच्छा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। टू विच कम्युनिटी डू द स्कीम्स लाइक PM 15 ज्वाइंट प्रोग्राम पढ़ो परदेश सीखो और कमाओ प्रोवाइड बेनिफिट। इनमें से किस समुदाय को जो 15 बिंदुओं वाला जो ये कार्यक्रम है, पढ़ो परदेश सीखो और कमाओ बेनिफिट, ये किसको देगा? ये देगा माइनॉरिटीज़ को, ठीक है, अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंडिया जो है इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक संस्थापक सदस्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, WHO और WTO। इन सभी देशों, मतलब सभी लोगों का, मतलब सभी इन ऑर्गेनाइजेशंस का सदस्य है इंडिया। संघाई कॉरपोरेशन काउंसिल का इंडिया सदस्य नहीं है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द आर्कटिक काउंसिल। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था मेंबर के तौर पर, और क्या इसकी स्थापना 1996 में हुई थी? यहाँ पर सही है 2 ओनली, इंडिया ने अभी इसको नहीं ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। इंडिया आर्कटिक काउंसिल का हिस्सा नहीं है। इंडिया एक ऑब्जर्वर स्टेटस, ऑब्जर्वर कंट्री है, लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मेंबर्स ऑफ द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP के मेंबर्स, इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकते हैं बी, यानी कि 1, 2, 4। इंडिया इसके मेंबर हो सकता है, चाइना हो सकता है, और साउथ कोरिया हो सकता है। मालदीव यहाँ पर RCEP का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अरब लीग जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अरब स्टेट्स का, और ये नॉर्थ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरब देशों का संगठन है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर कंट्रीज ज़्यादातर मुस्लिम बहुसंख्यक वाले कंट्रीज़ हैं। और अगला है कि इंडिया जो है ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, अरब लीग का भी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का भी। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं? यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा, इंडिया जो है इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है, बाकी ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसने जारी किया है? जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इंडिया की रैंक कितनी है इस ट्रांजिशन इंडेक्स में, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको चुनना है यहाँ पर, और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया और फ्रांस ने अभी फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस की समिट हुई थी दिल्ली में, इसको होस्ट किया था। और दूसरा है कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, और 122 से ज़्यादा सदस्य देश जो हैं ISA ज्वाइन कर चुके हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो तीनों ही करेक्ट हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में है, और इंडिया जो है इसका फाउंडर मेंबर्स में से एक है फ्रांस के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कटला से एक्सप्रेस जो न्यूज़ में देखी गई थी, ये क्या है? तो ये एक एनुअल मल्टी नेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज थी, ये थी कटला से एक्सप्रेस, बहुपक्षीय नाविक अभ्यास था, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज थी यहाँ पर मल्टीनेशनल। ये कब से कब तक हुई थी? 6 फरवरी से लेकर कि सॉरी 27 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी 2019 तक। कहाँ पर हुई थी? वेस्टर्न इंडियन ओशियन में।
अभी मैटर के एक न्यू फॉर्म की खोज की गई थी और इसको के नाम क्या दिया था ये बताना है। तो ये था आपका एक्सीटोनियम, ठीक है, एक्सीटोनियम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो है ये उन 8 मिशन्स में से एक है जो नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज की पार्ट है। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंडिया में, इसको कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये रहेगी। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं? यहाँ पर करेक्ट है ए, यानी कि ओनली वन, केवल एक यहाँ पर करेक्ट है कि नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो है ये उन 8 मिशन्स में से एक है जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए आइडेंटिफाई करे गए हैं। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न नहीं होगा, यहाँ पर पश्चिमी राज्यों के लिए जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि द अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन भारत जो सॉरी मतलब जो हमारी पृथ्वी की सरफेस है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है किस फॉर्म में ग्रहण करती है? शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सरल सा क्वेश्चन था, सोलर रेडिएशन से एनर्जी मिलती है जो कि शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग मेजर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। हमारे अर्थ के फॉर्मेशन में जो मेजर एलिमेंट लगे हुए हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है कि जो सबसे ज़्यादा लगा हुआ है वो पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, सबसे ज़्यादा कौन सा लगा हुआ है? ऑक्सीजन, फिर आपका लगा हुआ है आयरन, और फिर आपका है पोटेशियम, और फिर है सोडियम। सॉरी, पहले यहाँ पर सोडियम आएगा और फिर पोटेशियम आएगा, तो 1, 4, 2, 3 यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि लिस्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज के हिसाब से लगाना है, यहाँ पर पूरी लंबी लिस्ट है, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ उसी क्वेश्चन का, ठीक है। तो 46.60 ये ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एलुमिनियम है, फिर आयरन है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है। अगला है कि LEMOA और कोमकासा, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है इंडिया के, किसके साथ ये टर्म डिफाइन कर रहे हैं? तो कोमकासा US के साथ काफ़ी पॉपुलर हुआ था यहाँ पर। यहाँ पर हमको करेक्ट कोड चूज करना है, यहाँ पर एरिया जो रिलेटेड है और उससे संबंधित जो आपका टर्म है उससे। तो शेंगेन एरिया ये EU मिलाया गया है, गाजा ट्रिप सेंट्रल एशिया, और शेंगी नेवल बेस श्रीलंका में, बताइए कौन सा सही है? यहाँ पर केवल शेंगेन एरिया यूनाइटेड। हमको यहाँ पर अब करेक्ट कोड चूज करना है क्वेश्चन नंबर 82 में कि कौन सा यहाँ पर सही मिलाया गया है। तो खाली शेंगेन एरिया EU ये सही मिलाया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही है ए, ओनली वन। और गाजा ट्रिप जो है ये किससे मिलाया गया है? मिडिल मतलब किससे मिलाया जाना चाहिए? मिडिल ईस्ट से। और शेंगी नेवल बेस ये सिंगापुर का है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ दीज एरियाज इन इंडिया रिलीजेस द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडेक्स इन 2018। कहने का मतलब है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जीवन जीवन की सुगमता सूचकांक किसने जारी किया है और किसने इसको टॉप किया है? तो यहाँ पर आंसर नंबर ए सही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको जारी करता है, और टॉप किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव फिफ्थ शेड्यूल एरियाज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फिफ्थ शेड्यूल में आने वाले एरियाज हैं आपके ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से, यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय संविधान, सॉरी ट्रांसलेशन है उसी का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन हैज बीन अडॉप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर आधारित जो चुनाव होता है सदस्यों का, वो किस सदन में होता है? तो वो होता है आपका राज्यसभा में भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में। लोकसभा के जो हैं वो डायरेक्ट होते हैं, प्रोपोर्शनल पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सही है हमारा 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला है कि अगला है कि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द, तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज DPSP वर एडेड लेटर एंड इन विच अमेंडमेंट? कौन से DPSP जो है बाद में ऐड किए गए थे और किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए सही जाएगा, फ्री लीगल एड ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, द सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस हैज डिफाइंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द सेम। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये किस में इंक्लूड करा गया है, तो ये इंक्लूड करा गया है फ्रीडम ऑफ प्रेस में भी और फ्रीडम ऑफ साइलेंस में भी। ठीक है, तो दोनों ही इसके हिस्से हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग डिग्निटरीज फॉर्म द पार्ट ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। पहला जो कैबिनेट बना था उसके सदस्य जो है कौन कौन से लोग यहाँ पर बने थे, तो यहाँ पर बने थे आपके वी एन गाडगिल भी और सी एच भाभा भी, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जाएगा, यानी कि आपका सेकंड और थर्ड दोनों। सुभाष चंद्र बोस ऑफ कोर्स नहीं बने थे कैबिनेट के सदस्य। आगे हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो पहला दिया हुआ है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करते हैं, और दूसरा दिया हुआ है कि ये 2007 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके तहत स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही है, यहाँ पर दोनों ही आपके सही हैं, बोथ यहाँ पर चला जाएगा सही आंसर। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है हर साल नागालैंड में मनाया जाता है, और हॉर्नबिल की हाईएस्ट संख्या जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती है कंट्री में, कौन सा यहाँ पर सही है, तो ये सही है दोनों ही बोथ। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, सिलेक्ट द करेक्ट कोड, करेक्ट चुनना है संगाई केबुल लमजाओ में, वाइट टाइगर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, नीलगिरी ताहर इराविलकुलम नेशनल पार्क में, बताइए कौन सा सही मिलाया गया है। तो तीनों ही यहाँ पर सही मिलाए गए हैं, संगाई आपको मिलेगा केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में, और नीलगिरी ताहर जो कि राजकीय पशु है तमिलनाडु का ये भी आपको वहाँ पर मिलेगा इराविलकुलम नेशनल पार्क में, और वाइट टाइगर आपको बांधवगढ़ में मिलेगा। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है, अंडर हूज टेन्योर एज द गवर्नर जनरल वॉज द वर्ल्ड वुड्स डिस्पैच एक्ट पास्ड। वुड्स डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था ये बताना है, तो वुड्स डिस्पैच आया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा यहाँ पर सही है, यहाँ पर दोनों ही सही है। ठीक है, अब मनरेगा के बारे में हमको बताना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो मनरेगा है इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन बताइए। फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका संचालन करती है क्या, और लीगल राइट है ये कि कम से कम 100 दिनों का यहाँ पर रोजगार मिलेगा अनस्किल्ड वर्कर्स को। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर सही है, यहाँ पर दोनों ही सही है। ठीक है, नाम ही गारंटी है तो बिल्कुल लीगल राइट है उनका। आगे हमारा क्वेश्चन है कि अच्छा ये स्टेटमेंट रिजर्वेशन वाले क्वेश्चन है, 96 से 100 तक सबसे पहले मतलब समझ लीजिए ऑप्शन का, एज जब होगा जब अभिकथन और कारण दोनों सही होंगे और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता होगा। ठीक है, और जब दोनों ही सही हो लेकिन कारण का लेकिन कारण जो है वो सही विवरण ना दे रहा हो अभिकथन का, तो बी होगा। सी कब होगा, जब ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा, और डी कब होगा, जब ए गलत होगा लेकिन आर सही होगा। तो 96 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इज नॉट मैंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली, यानी कि शुरुआत में भारत संविधान में जो है मूल संरचना की अवधारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, और इसे सबसे पहले केशनंद भारती मामले में मतलब रखा गया था। तो यहाँ पर आंसर नंबर जाएगा आपका बी, यानी कि ये भी सही है आपका और ये भी सही है, लेकिन आर जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, करेक्टली एक्सप्लेन इसने नहीं किया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला है, इंडिया एक्सपीरियंसेस अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, भारत जो है ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, जितने ज़्यादातर पार्ट इंडिया के सीजनल चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ए का मतलब क्या होता है कि ये भी सही है ए, और आर जो है ये भी सही है, और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे है कि लॉर्ड मिंटो जो है ये फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट के नाम से जाने जाते हैं, मिंटो मॉरली रिफॉर्म्स जो है इन्होंने जो है अलग निर्वाचक मंडल जो है मुस्लिमों को प्रोवाइड करवाया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा,
यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 की लोकायत फिलॉसफी जो है ये बिलीव करती थी सेलिबेसी में और स्ट्रिक्ट लाइफ में, यानी कि एक कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य में और एक स्ट्रिक्ट जीवन में, मितव्ययी जीवन में। और अगला है कि इट वॉज ईजी फॉर कॉमन पीपल टू फॉलो दिस फिलॉसफी, तो यहाँ पर डी जाएगा, ए यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है, और आर यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रॉक्स अंडर गो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, रॉक्स जो है ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं एक से दूसरे फॉर्म में, और रॉक साइकिल जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो नेचुरल फैक्टर्स पर आधारित होती है, प्राकृतिक कारकों की ताकतों से रॉक चक्र जो है एक सतत प्रक्रिया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और आर इसको जो है सही से एक्सप्लेन कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है इसकी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है।